उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा की कार्यवाही में ये नहीं लिखा हुआ है कि उनके प्रस्ताव का समर्थन किसने किया। इससे ये समझा जा सकता है कि कृपलानी के प्रस्ताव पर आम सहमति थी। संविधान सभा संबंधी दस्तावेज बताते हैं कि महीनों पहले बेनेगल नरसिंह राव ने जवाहरलाल नेहरू को उनका नाम सुझाया था। इसका प्रमुख कारण ये था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वयोवृद्ध थे, पुराने सांसद थे, पुराने कांग्रेसी थे। वे पहले और एकमात्र भारतीय थे जिसे सरकार में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के बतौर फाइनेंस मेंबर बनने का अवसर मिला था। वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। उन्होंने ही अभियान चलाया जिससे 1911 में बिहार राज्य बना। लंदन में कानून की पढ़ाई पूरी कर वो बैरिस्टर बने, वकालत की और होम रूल लीग आंदोलन में सहभागी रहे। 1910 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हुए, उस रूप में 10 साल काम किया। अपनी पत्नी राधिका की याद में 1924 में सिन्हा लाइब्रेरी बनवाई। वे पत्रकार और लेखक भी थे, इंडियन नेशन के प्रकाशक थे और हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक थे। जब वे 72 साल के थे तब उनके नाम से बिहार और औरंगाबाद में एक कॉलेज खोला गया। ये उनकी महिमा का मान था। महर्षि विश्वामित्र के बक्सर क्षेत्र में 1871 के 10 नवंबर को वे मुरार गांव में जन्मे थे।